दोस्तों, जब भी हमारे पास कोई कूलर की मोटर आती है, हम उसको काट लेते हैं और काटने के बाद हम उसमें क्या करते हैं कि उसको साफ़ करके उसमें पेपर इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, जब हम उसमें पेपर इंस्टॉल करते हैं तो हमारा काफ़ी सारा टाइम उसमें जो है मोटर के पेपर डालने के जो है उसमें चला जाता है पेपर डालते वक्त। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये आपको राय देना चाहता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जॉस्ट की मोटर है, ठीक है, और हमें उसमें पेपर डालने, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम तो उसमें पेपर इंस्टॉल करने में लग जाएगा, फिर कॉइल बनाने में, फिर वाइंडिंग करने में, फिर सेटिंग करने में, फिटिंग करने में काफ़ी सारा हमारा टाइम जो है वो चला जाता है। जिसके कारण हम जो है अगर कभी काम ज़्यादा हो तो हम परेशान हो जाते हैं और काम जो है जल्दी से नहीं निपटा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, जैसे इसका स्टेटस साइज 1.3 इंच के आसपास है तो आपको एक पेपर से साइज निकाल करके इस तरह की जो मोटर आती है 1.2 इंच की, 1.3 इंच के आसपास की जितनी भी एग्जस्ट आती है उसमें लगभग सेम तरीके का पेपर लग जाता है। ऐसे ही मधानी की मोटर है या फराटा की मोटर, उसमें भी सेम तरीके का साइज का पेपर लग जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, इस तरह से आपको पेपर एक काट काट कर एक डब्बे में ऐसे रखना चाहिए। आपको पहले ही ये काम कर लेना चाहिए जब भी आपके पास टाइम होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास काम बहुत ज़्यादा है, आपके पास टाइम ही नहीं है, और कई बार क्या होता है कि आपके पास टाइम ही टाइम होता है, काम कम होता है, तो अपना काम के बाद जो करने के बाद जो टाइम बचता है उस खाली टाइम में आप क्या करिए, आप पेपर के साइज काट लीजिए। जितनी भी तरह की मोटर आती है उनके सभी के जो है पेपर के साइज आप काट करके एक डब्बे के अंदर ऐसे डाल दीजिए। तो उससे बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि अगली दफ़ा जब कोई मोटर आएगी तो आपको जो है उसके पेपर नहीं काटने पड़ेंगे, और क्या होगा कि आप जो है जो आपने डब्बे में सेव करके पहले के बचाए हुए पेपर रखे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं भी ऐसा करता हूँ कि कई बार जब मेरे पास टाइम बचता है तो मैं पेपर को जो है काट के जो है डब्बे में इस तरह से रख लेता हूँ। फिर मेरे पास कोई मोटर आती है तो मैं उसको काटता हूँ जल्दी से, उसको साफ़ करके डब्बे से पेपर निकाल करके जो है उसके अंदर जो है इस तरह से उसमें बिठा लेता हूँ। तो क्या होता है कि पेपर जल्दी से झट से बैठ जाते हैं और फिर सिर्फ मोटर में तार बना के डालने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं पेपर के साथ साथ एक काम और भी कर लेता हूँ कि मोटरों की जो कॉइलें होती हैं वो भी कई बार मैं बना के ऑलरेडी रखता हूँ। तो उससे बेनिफिट ये हो जाता है कि आपके पास कोई मोटर आई तो आपके पास ऑलरेडी पेपर रखे हुए हैं, आपने पेपर उठाए डब्बे से और पेपर इंस्टॉल कर दिए तुरंत झट से, और ऐसे ही आपके पास पेपर इंस्टॉल होने के तुरंत बाद क्या हुआ, कॉइल भी आपने बना के रख रखी है पहले ही ऑलरेडी, तो उस कॉइल को सीधा डाल दीजिए। तो आपको सिर्फ उसका आपका जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा, वो सिर्फ 30 से 40 मिनट में आप किसी भी मोटर को अच्छे से रिवाइंड जो कर पाएंगे। वरना अगर आप किसी मोटर के आपके पास पेपर ऑलरेडी पहले नहीं रख रखे आपने, या उसका कॉइल आपने पहले नहीं बना के रख रखा, तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो दोस्तों, या तो आप पेपर को जो है खाली टाइम में काट के डब्बे में रख सकते हैं, या फिर मार्केट से बने बनाए पेपर भी आते हैं वो भी आप जो है ले सकते हैं और अपना जो है वाइंडिंग का टाइम बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बस यही एक छोटी सी जानकारी देना चाहता था। तो कॉइल और पेपर जो है अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे भाइयों के क्वेश्चन होते हैं कि सर हर स्टेटर साइज अलग अलग होता है कूलर का, उसमें पेपर किसी में छोटा रहेगा किसी में लूज रहेगा। तो देखिए, मोटर ज़्यादातर कूलर की जो एग्जस्ट की मोटर होती है सभी में लगभग सेम से पेपर लगभग इंस्टॉल होते हैं। किसी में खांचे छोटे होते हैं तो एक आप छोटे साइज का भी बना सकते हैं पेपर। आप दो तीन तरह के छोटे छोटे डब्बे लेकर के सभी पे जो है स्टेटर साइज लिख करके डब्बे पे उसके हिसाब से आप डब्बे पे लिख दो कि भाई इतने स्टेटर का ही पेपर है। बधानी के, फराटा के, सभी के लगभग सेम होते हैं। तो पेपर आप थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं, तो बड़े का ये फ़ायदा है कोई मोटर स्टेटर आ गया तो उसमें भी जो है पेपर जो है इंस्टॉल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और बड़ा पेपर रखने का यही फ़ायदा होता है कि अब पेपर लूज रहते हैं तो कोई उससे नुकसान नहीं होता, लूज से कोई नुकसान नहीं होता है, ये बात आप समझ लीजिए। और बड़े बनाने से ये फ़ायदा हो जाता है कि दूसरे मोटे स्टेटर में भी वो पेपर जो है वो लगाए जा सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियो ऐसे ही आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।